हेलो फ्रेंड्स, सबको मेरी सत श्री अकाल, नमस्ते बच्चों को प्यार। आज का मेरा टॉपिक है हेल्थ। हेल्थ इज वेल्थ, ये हर कोई जानता है, पर इसके लिए हर कोई सीरियस नहीं होता। सब सोचते हैं ठीक है, पैसा ज़रूरी है, घर ज़रूरी है, हमारे को सब कुछ चाहिए, पर हेल्थ तो ऐसे ही आ जाती है। पर नहीं, हमें हेल्थ सबसे ज़रूरी है ये जान के आपको हॉस्पिटल में पता चलेगा। हॉस्पिटल में जाओ कभी किसी को दिखाने या किसी के ट्रीटमेंट के लिए, आपको मालूम होगा कि हेल्थ कितनी इम्पॉर्टेंट है। हेल्थ के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ, जिसमें एक सेठ होता है जिसका बहुत बड़ा घर होता है, पैसे होते हैं, सब कुछ होता है। उसको ये बात समझ में आती है, इस बात को मैं आपको बता रही हूँ कि एक दिन वो क्या करता है, अपने घर के सामने बहुत बड़ा गड्ढा खोदता है। एक दिन खोदता है, कुछ लोग आते हैं उससे पूछते हैं आप ये गड्ढा क्यों खोद रहे हो। वो कहता है कि मैं अपने लिए कब्र खोद रहा हूँ। सब हैरान हो जाते हैं, ये क्या कर रहा है। कहता अभी आप अपने जीते जी कब्र क्यों खोद रहे हो। कहते नहीं, मुझे पता है कि कोई ऐसा टाइम आएगा जब मेरी मौत सामने होगी, इसलिए मैं अपने लिए कब्र पहले खोद रहा हूँ। खोद लेता है। इसी के कुछ दिन बाद अगले दिन वो क्या करता है, एक और गड्ढा खोदना शुरू हो जाता है, बड़ा गड्ढा। वो फिर लोग आते हैं उससे पूछते हैं आपने एक तो ये गड्ढा खोदा, अब ये दूसरा गड्ढा किस लिए खोद रहे हैं। वो कहता है ये गड्ढा मैं अपने लिए खोद रहा हूँ, जिसमें मैं अपनी कार लेके जाऊँगा साथ। जब मेरी मौत होगी मैं ये कार, जो मेरी मर्सिडीज है, बहुत महंगी है, ये इसको मैं साथ लेके जाऊँगा। सब कहते हैं पागल है, बेवकूफ़ है, इस गड्ढे में अगर डाल देगा कार को तो वो कार को साथ कैसे ले जाएगा, ये कैसे मुमकिन है। कहता नहीं, मैं ये गड्ढा अपनी कार के लिए ही खोद रहा हूँ। वो खोदता रहता है, कंप्लीट होती है। फिर एक इंसान आते हैं, फिर सब इकट्ठे हो जाते हैं। कोई कहता है ये कार मुझे दे दो आप, या डोनेट कर दो, ये कार क्यों आप गड्ढे में डाल के जा रहे हो, ये कार आपके साथ नहीं जाएगी। वो कहता है अच्छा सुनो, मेरा कहने का मतलब ये था कि देखो, जब मैं अपने लिए कब्र खोद रहा था, गड्ढा कर रहा था, तब किसी ने नहीं कहा कि आप ये गड्ढा अपने लिए क्यों खोद रहे हो। जब मैं कार के लिए गड्ढा खोद रहा हूँ तब सब कह रहे हैं कि ये कार हमें दे जाओ या डोनेट कर जाओ। अपने बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो कोई नहीं सोचता वो कितने मूल्यवान हैं, उनको ऐसे ही इस गड्ढे में मिट्टी कर दें, ये मुमकिन नहीं है। हमें अपनी बॉडी के ऑर्गन्स जीते जी कर देने चाहिए। जैसे हमने अपनी आईज, लीवर,